नमस्कार दोस्तों, अचल संपत्ति क्रय करने पर आयकर विभाग की नजर क्यों रहती है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में इसलिए आया कि इन दिनों मैं देख पा रहा हूं कि बहुत से लोगों को सेक्शन 148A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में या सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में नोटिसेज आ रहे हैं और उन नोटिसेज में ये कहा गया है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी जिसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, जबकि आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी या आईटीआर के साथ में वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैप नहीं हो रही। तो मुझे लगा कि जनता जनार्दन के बेनिफिट के लिए इस टॉपिक पर कुछ और क्लैरिटी लाने की जरूरत है, तो इसलिए दोस्तों आपके साथ ये वीडियो लेकर के आज प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका उत्तर हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, क्या अचल संपत्ति क्रय करने पर आयकर रिटर्न में ब्यौरा देना आवश्यक है? क्योंकि ये भी तो एक करदाता समझे कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो क्या उन्हें आयकर रिटर्न में उस संपत्ति का ब्यौरा देना है? क्या क्रय करने के स्रोत सिद्ध करना आवश्यक है? आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 75 लाख रुपीज की। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू आप जरा सोचिए कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी वो 75 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी जो आपने परचेज करी है वो कैसे परचेज करी, उसका सोर्स क्या था, उसका सोर्स प्रूव करने के लिए कह सकती है क्या? अगला क्वेश्चन, संपत्ति क्रय करने के स्रोत कैसे सिद्ध किए जा सकते हैं? यानी आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब प्रूव करिए आप 75 लाख की प्रॉपर्टी कैसे परचेज करी। अब आप प्रूव करेंगे कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टीडीएस अनुपालना यानी टीडीएस कंप्लायंस, कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टीडीएस कंप्लायंस इस संदर्भ में क्या करनी है, उस पर भी एक डिस्कशन आज की इस वीडियो से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं, क्या अचल संपत्ति क्रय करने पर आयकर रिटर्न में ब्यौरा देना आवश्यक है अथवा नहीं? एक्चुअली दोस्तों, अगर देखा जाए, आप अगर आईटीआर, मैं एक सिंपल यहां पर इंडिविजुअल एसएससी की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल एसएससी को ज्यादातर आईटीआर 1 या आईटीआर 2 भरना होता है। मैं बिजनेसमैन की बात अगर एक बार यहां पर ड्रॉप कर दूं जिन्होंने बिजनेस में कोई रियल एस्टेट परचेज करी, तो बाकी के एसएससी जो सैलरीड पेड हो सकते हैं या उनको कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही हो और उन्होंने कोई रियल एस्टेट परचेज करी, तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या उन्हें अपनी रियल एस्टेट परचेज करने पर आयकर रिटर्न में बताना जरूरी है क्या कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज करी? आंसर टू दिस क्वेश्चन इन माय ओपिनियन माय डियर फ्रेंड्स इज नो। यानी आपको कहीं पर भी जनरली आईटीआर 1 आईटीआर 2 में यूजुअली बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमने इस साल में एक रियल एस्टेट परचेज करी। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ क्यों रहा है कि आपको, आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज करी है ऐसा, और उसके बेसिस पर वो सेक्शन 148 में या 148A में आपको नोटिस क्यों दे? इसका एक मूल कारण आपको बताता हूं। बहुत से लोग जब रिटर्न पर कोई भरने जाते हैं, या मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं, बहुत से लोग जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी परचेज तो कर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, लेकिन वो आईटीआर नहीं भरते। और ऐसा बहुत सी बार देखा गया है, न केवल उन केसेस में जिनकी बिलो एग्जम्पशन लिमिट रिटर्न है, बल्कि बहुत से नॉन रेजिडेंट के साथ भी मैंने देखा कि वो फॉरेन रेमिटेंसेस से इंडिया में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आईटीआर अपनी वो भरते नहीं है बिकॉज दे आर अंडर द प्रिजम्पशन कि मुझे रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं। या दूसरा उदाहरण दूं कि मान लीजिए मेरे पास में तो इनकम का स्रोत केवल 1.5 लाख 2 लाख है, और दूसरी ओर मुझे मेरे फादर से या मदर से 50 लाख रुपए का गिफ्ट मिला और उस गिफ्ट के थ्रू मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो रजिस्ट्री में मेरा नाम मेरा पैन चढ़ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि अरे, अनु भाटिया ने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करी और आईटीआर अनु भाटिया ने भरी नहीं। अनु भाटिया कह रहा है कि साहब मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे तो कोई इनकम ही नहीं थी, ये तो मेरे फॉर्चुनेटली पिताजी की कृपा हो गई मुझ पर कि उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए जिससे मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी। तो एक मूल मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू देता हूं सर, कि चाहे आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है या आप नॉन रेजिडेंट है, इसे आप कह सकते हैं लाखपति की एडवाइस मैं देने जा रहा हूं, आपने अगर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में रियल एस्टेट परचेज करी है, क्योंकि रियल एस्टेट परचेज करने की जानकारी, रियल एस्टेट जब आप परचेज करते हैं इससे संबंधित सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस से पहुंच जाती है और वो आपके पैन पर अंकित हो जाती है,
और आप देखेंगे कि बहुत सी बार एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके रियल एस्टेट परचेज की जानकारी दिखती है। तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर आपने रियल एस्टेट परचेज करी है, चाहे आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मेरे जैसे सीए का सजेशन होगा सर, रिटर्न जरूर भरिए। दैट विल बी अ हाईली हेल्पफुल एडवाइस टू यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले प्रश्न का उत्तर दिया कि रिटर्न भरते समय आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, अनलेस जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। बाकी सब केसेस में अगर आपने रिटर्न भर दी है और आपने कोई रियल एस्टेट परचेज करी है, तो ये एक प्रकार की सफिशियंट कंप्लायंस होगी। लेकिन अगला प्रश्न आता है, क्या प्रॉपर्टी, मैं यहां पर इस वीडियो को स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आया हूं, क्या क्रय करने के स्रोत सिद्ध करना आवश्यक है? मान लीजिए सर, किसी व्यक्ति ने रिटर्न नहीं भरी या रिटर्न भरी फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी क्वेरी कर ली कि साहब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है फला फाइनेंशियल ईयर में, तो आप सिद्ध करिए आपके स्रोत क्या थे। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कह सकता है? बिल्कुल सर कह सकता है। अगर आप स्रोत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो आपका अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर तो है कि वो आपको प्रॉपर्टी परचेज करने पर उसके स्रोत सिद्ध करने के लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो आपको मेरी एडवाइस यहां ये होगी कि जब आप कोई रियल एस्टेट परचेज करते हैं, आपने ट्रांजेक्शन पूरा कर लिया, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह जमाएं। क्या कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ये स्रोत यूज किए, या ऐसे ऐसे मैंने पेमेंट किया और इस प्रकार मेरा ये टोटल पेमेंट रजिस्ट्री के कॉस्ट सहित हो गया। दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल एडवाइस टू यू कि जब भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई क्वेरी इस संदर्भ में पूछेगा, तो आप न केवल उत्तर देंगे बल्कि संबंधित डॉक्यूमेंट भी पेश करने में सक्षम होंगे। अब दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, संपत्ति क्रय करने के स्रोत कैसे सिद्ध किए जा सकते हैं। तो सर, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की ली, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर ने मुझे 50 लाख गिफ्ट किए, तो ठीक है, मेरे फादर का बैंक स्टेटमेंट मैं लगा सकता हूं साथ में, फादर का गिफ्ट का कोई डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिए थे 50 लाख वो लगाऊंगा, उनका एफिडेविट दे सकता हूं। बहुत सी बार हमने प्रॉपर्टी लोन से परचेस की सकती की गई होगी, तो आप लोन के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बहुत सी बार एनआरआई के केस में एनआरई अकाउंट से एनआरओ में पैसा आया, वहां से प्रॉपर्टी परचेस करी, आप वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं सर, कैश जमा कराते हैं खाते में और प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े जल्दी उस ट्रांजेक्शन को इसी दृष्टि से देखता है कि अरे भैया, आपने कैश खाते में जमा कराया और प्रॉपर्टी परचेस कर ली, तो अब उस कैश का स्रोत बताइए। तो मैंने कुछ दिनों पहले, दो चार दिन पहले ही रहा कैश के संदर्भ में कि कैश ट्रांजेक्शन को जो आपने बैंक में जमा कराया उसे आपने कैसे सिद्ध करना है, उस संदर्भ में भी एक वीडियो बनाई थी। आप उस वीडियो का यहां पर सहारा लीजिएगा तो आपको स्रोत सिद्ध करने में भी कुछ मदद जरूर मिलेगी। दोस्तों, रियल एस्टेट परचेज करते समय आपको टीडीएस की कंप्लायंस भी करनी है, ये एक महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा क्यों सर? आप ये देखिए कि अगर आप परचेजर हैं और कोई दूसरा पर्सन सेलर है, तो क्या सेलर निवासी है यानी रेजिडेंट है या अनिवासी है, नॉन रेजिडेंट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि अगर 50 लाख या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी आप एक रेजिडेंट से ले रहे हैं, तो आपको 1% टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एट द रेट 1%। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आप 10 लाख की भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ साहब, टीडीएस काटने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है सर, हम ये डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर पाते या हम टीडीएस कंप्लायंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी हम इनकम टैक्स राडार पे आ सकते हैं। तो आपको ये मेरी एडवाइस रहेगी कि प्रॉपर्टी परचेज करते समय अपने टैक्स एडवाइजर से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने टैक्स एडवोकेट से, अपने कंपनी सेक्रेटरी से, अपने सीएमए से ये सलाह अवश्य लें कि सर क्या मुझे टीडीएस काटना है, और यदि हां तो आप टीडीएस अवश्य काटें। फाइनली मैं कहूंगा दोस्तों, रियल एस्टेट परचेस करना कतई बुरी बात नहीं है, ये तो एक शुभ बात है। लेकिन जब आप इस शुभ बात को कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये बात ध्यान रखिए कि आपके स्रोत डिफाइंड हो, आपके स्रोत प्रूवेबल हो, और आपने अपनी आईटीआर उस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की भरी हो, तो बहुत सी बार 99% आपको क्वेरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कैश जमा करा के कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं सर,
तो सतर्क रहिए, ये एक रिस्की ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो आज के लिए यही समाप्त करना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।